जामताड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के दौरान बुधवार को कांग्रेस के दो गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बीच बचाव करना पड़ा, जिसमें वे जख्मी हो गए। मामले को शांत करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं आज कांग्रेस प्रवक्ता से यह सवाल पूछा गया, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, जब हम लक्ष्य बड़ा प्राप्ति की ओर जाते हैं तो उस लक्ष्य में ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये छोटी मोटी घटनाएं आपके लिए टीआरपी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमारा लक्ष्य टीआरपी है। हमारे लिए टीआरपी यह है कि हम कैसे महंगाई से, कैसे बेरोजगारी से, कैसे देश की गिरती अर्थव्यवस्था से देश की जनता को, देश के आम जनों को हम राहत पहुंचाने का काम करें। किस तरह से आप टीआरपी की बात की, टीआरपी हो सकती है, लेकिन जनता को जोड़ने निकले हैं, आपसे नहीं झगड़े कर रहे हैं। देखिए, हमारा यही आंतरिक लोकतंत्र है और इसी को डेमोक्रेटिक कहते हैं। आप कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लो, वो गुलामी पसंद करेंगे लेकिन मोहन भागवत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। इसलिए लोकतंत्र कैसा होना चाहिए और क्या है, ये हम भी बखूबी और भली भांति समझते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।